नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 4 लाख रुपया मिलेगा प्रथम किस्त, उसको कहाँ खर्च करना है और सेकेंड किस्त के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि प्रथम किस्त जब तक आप पूरा खर्च करके उसका जो है बिल जो है अपने जिला उद्योग केंद्र में जमा नहीं कीजिएगा, तब तक जो है आपको सेकेंड किस्त नहीं मिलेगा। तो प्रथम किस्त जो 4 लाख रुपया आपको मिलेगा उसको कहाँ खर्च करना है, इसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए प्रथम किस्त जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 4 लाख, ठीक है। 4 लाख रुपया जो मिलेगा इसको कहाँ खर्च करना है, तो ये जो प्रथम किस्त 4 लाख मिलेगा इसमें जो करना है आपको शेड निर्माण, यानी जो भी आप उद्योग लगाइएगा उसका शेड निर्माण आपको कराना है। उसमें जो आप उद्योग लगाइएगा तो शेड निर्माण में आपको जो है कराना है, और इसी 4 लाख रुपया में से जो है आपको कार्यशील पूंजी भी रखना है, यानी जो आप व्यवसाय चलाइएगा उसके लिए पूंजी भी जो है इसी 4 लाख रुपया में से आपको निकालना है। तो शेड निर्माण जो है, शेड निर्माण में आप जितना कम से कम खर्च कीजिएगा उतना जो है आपका जो है कार्यशील पूंजी ज़्यादा होगा, तो आपको आगे जो चलकर प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपका शेड जो है 1.5 लाख में तैयार हो जाता है तो आप जो है उसको 1.5 लाख में ही तैयार करा लें। अगर 2 लाख हो रहा है तो 2 लाख में भी आप करा सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा आपका हो रहा है तो आपका कार्यशील पूंजी जो होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा आगे में जो है दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप कार्यशील पूंजी और शेड निर्माण जो है 4 लाख रुपया में कराइएगा। और देखिए इसमें है, इसमें जो है कि ये जो 4 लाख रुपया का जो है आपको हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक आप पूरा बिलिंग नहीं दीजिएगा जिला में तब तक जो है आपको सेकेंड किस्त नहीं मिलेगा। तो जो भी आप यानी शेड निर्माण के लिए भी मटेरियल खरीदिएगा सभी का आपको GST बिल जो है बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप GST बिल नहीं दीजिएगा तब तक जो है आपको सेकेंड किस्त मिलने में जो है देरी हो सकता है। सेकेंड किस्त पाने के लिए जो है जो भी आप शेड निर्माण के लिए सामान खरीदिएगा पक्का जो GST नंबर के साथ आप जो है इसका बिल लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 4 लाख रुपया जो है कैसे खर्च करना है, और जो भी GST लीजिएगा इसका रसीद आपको जिला उद्योग केंद्र में जमा करना होगा, जो भी आप इस 4 लाख रुपया में खर्च कीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।